Assalamu alaikum, my name is Muhammad Yunus and welcome to another video. So, प्यारे दोस्तों, इंशाल्लाह मैं अभी आपको एक और खूबसूरत सी जगह दिखाने के लिए जा रहा हूँ और अभी इस टाइम मैं खड़ा हूँ एक यहाँ पे टी मदीना है, जहाँ पे बड़ी बेहतरीन चाय, मतलब कि यहाँ के लिहाज से अच्छी मिलती है, तो वो पीने के लिए खड़ा हूँ, वो मैं लेता हूँ और फिर निकलते हैं वो अपनी। पहले तो आपको मैं दिखाता हूँ ना वो ढाबा, मतलब यहाँ पे लेटेस्ट ढाबा ये है जी, वो टी मदीना। यहाँ से बाज़ औक़ात मैं चाय पीता हूँ, अदरवाइज़ ज़्यादातर तो घर ही पीनाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे एक कप चाय पीऊँगा, ठीक है, चाय पीने के बाद निकलते हैं अपने रूट पे। ओके, अभी मैं पहुंचा हूं जी इस जगह पे जो आज मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इस जगह का नाम है पर्ल कतर, यानी कि अरबी में कहते हैं लूलू, यानी पर्ल का मतलब है जी हीरा। बहुत खूबसूरत बनाया है इन्होंने, तो आए मैं आपको अंदर से कुछ इसके सीन दिखाता हूं। बहुत खूबसूरत जगह जनाब, यहाँ पे बहुत ही पुरसकून माहौल है, तो सीधी बात है मैं तो ख़ुद भी पहली बार आ रहा हूँ इस साइड में, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है, ये इन्होंने समंदर से एक कैनाल निकाल कर, तो ये इतना एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है, और जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती में काफ़ी इजाफा हो जाता है। और पानी का देखें कलर भी बहुत साफ़ सुथरा है, और इन्होंने फिर ये साथ में जो कंपाउंड डिज़ाइन किया हुआ है उसका भी बिल्कुल इन्होंने इस तरीके से रंग दिए हुए हैं कि पानी के साथ वो तकरीबन सारा रंग वो मैच कर रहा है। और यहाँ पे एक और जो ख़ास बात मैंने नोट की है कि हमारे मुल्कों की तरह ऐसी पाबंदी नहीं है कि भाई आप फलां जगह पे जा सकते हैं और फलां जगह पे नहीं जा सकते। हालांकि ये जो एरिया है ये बहुत हाई फाई एरिया है, लेकिन हर आम और ख़ास आदमी जो है वो यहाँ पे आ सकता है और रहाइश भी कर सकता है, होटलिंग वगैरह भी कर सकता है और घूम भी सकता है। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप लोगों को किसी किस्म की जो है वो नुमाइनत हो कि हाँ भाई आप लोगों ने इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, तो यहाँ भी ये अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा मसला नहीं है। आप यकीन करें इतना बेहतरीन मौसम है कि
कि दिल कर रहा है कि बस इधर ही घूमते रहें, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा सर्दी है और गर्मी तो अभी है ही नहीं। तो हवा चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। और कतर के लिए अल्लाह का एक खसूसी ये निज़ाम है कि यहाँ पे जब हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं दिसंबर से या नवंबर एंड से, तो फिर सर्दी शुरू हो जाती है। अगर हवाएं नहीं हैं तो फिर इतनी सर्दी नहीं होती। तो अभी ये है कि अल्लाह का शुक्र है हवाएं वगैरह जो है ना वो शुरू हो चुकी हैं और मौसम थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया। अभी तो बहुत ही ज़बरदस्त दिलकश मौसम है जी, घूमने के लिए बहुत बेहतरीन मौसम है। जब फिर जगह हो ऐसी पुरसकून तो फिर और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। अभी बात यह है कि अभी मगरिब की अजानें शुरू हो चुकी हैं और मेरे साथ मसला ये हुआ है कि जाय नमाज जो है वो मैं घर पे ही भूल आया हूँ और उसके बग़ैर मस्जिद में नहीं जाने देते। आपको अजान सुनाई दे रही होगी। ये था जी कतर का पर्ल। और अभी क्योंकि मगरिब की अजानें हो चुकी हैं और इंशाल्लाह मैं अभी जाऊँगा नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, मिलेंगे एक और ख़ूबसूरत सी जगह पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।